अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। बहरिया टाउन ने के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदा कर लिया है। इस मुआहदे के तहत अब 220 केवी का जो बहरिया टाउन का ग्रिड स्टेशन है अब वो के इलेक्ट्रिक के जरिए चलेगा और के इलेक्ट्रिक के सारे बन जाएंगे बहरिया टाउन के तमाम रेजिडेंट। याद रहे जब पिछले दिनों पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो गई थी, पूरे मुल्क में जो पावर का एक ब्लैकआउट हमने देखा था, उन दिनों में भी बहरिया टाउन में उस वक्त लाइट मौजूद थी। लेकिन अब बहरिया टाउन के साथ के इलेक्ट्रिक मुआहदा कर रहा है और के इलेक्ट्रिक मुआहदा तो कर रहा है और मुआहदे को एक MOU साइन भी हो चुका है। अब के इलेक्ट्रिक के तमाम कस्टमर्स बन चुके हैं वो तमाम अफराद जो कि बहरिया के रेजिडेंट हैं। इसके बाद सूरत हाल होगी कैसे, एक सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि बहरिया अपने रेजिडेंट्स के हवाले से जो उसके SOPs मौजूद हैं उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से अमल करवाते हैं और तमाम अफराद को उन SOPs और उन जो बायलॉज हैं उनके तहत चलने का हुक्म है और वो अफराद जो कि इसकी वायलेशन करते हैं उन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस है जो कि बहरिया टाउन ने किया है। अगर इसके तहत के इलेक्ट्रिक वहाँ पर सही तरह से बिजली फरहाम करता है तो फिर इसका मतलब होगा कि हुकूमत के सिस्टम में फॉल्ट है, के इलेक्ट्रिक अपनी सर्विसेज ठीक दे रहा है। ये के अराची में अगर लोड शेडिंग हो रही है और बहरिया टाउन में नहीं हो रही है, या फिर बहरिया टाउन में लोड शेडिंग हो रही है और पूरे कराची में लोड शेडिंग नहीं हो रही, इस तरह का कुछ मामला होता है तो फिर के इलेक्ट्रिक पर भी जिम्मेदारी डाली जा सकती है। ये के इलेक्ट्रिक के लिए भी इस वक्त एक टेस्ट केस मौजूद है। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि के इलेक्ट्रिक ने तमाम कस्टमर्स बना लिए हैं बहरिया टाउन वालों को। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।